Yes, you heard it right. The KTM Adventure. Good morning, my little YouTube family. Welcome to a new video. आप लोगों को पता चल गया होगा इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है टाइटल और थंबनेल देख के. तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको बता देता हूँ कि दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू गिवन बाय द CEO ऑफ KTM मिस्टर स्टीफन स्पीयरर. Yes, you heard it right. So this video is pretty much authenticated and you can definitely trust it. हम लोगों में से जो भी एक मिड सेगमेंट लाइट वेट और बहुत ही अच्छा एडवेंचर टूरिंग बाइक के लिए वेट कर रहा था उन लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है बिकॉज KTM is going to launch their mid segment adventure touring bike in coming years. According to the CEO, according to that interview, KTM is going to launch their parallel twin adventure touring bike in India by 2022. Yes, you heard it right. The KTM Adventure 500 is coming to India. In that interview, Mr. Pierer also said something which is very important for you as well as for all of us. So, मैं दो पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे. पहला जो पॉइंट है वो है जो पीरर ग्रुप है जो KTM और हुस्कवर्ना दोनों कंपनी को ओन करता है. वो लोग इंटेंसिवली फोकस कर रहा है 500cc यानी मिड सेगमेंट एडवेंचर टूरिंग बाइक के ऊपर. हाँ, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इस पैंडेमिक के बीच पे जहाँ पे बहुत सारे कंपनी का मार्केट बहुत डाउन है, प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है, इस हालत में KTM ने अपना प्रोडक्शन 500cc बाइक का बहुत बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया है. KTM एक ऐसी कंपनी है जो इस पैंडेमिक के बीच में भी उसका सेल्स में अपराइजिंग देखा है. ड्यूक 390, एडवेंचर 390 जो काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में. मिस्टर पियरर ने ये पैंडेमिक क्राइसिस को एक रीजन बताया है कि मिडिल वेट सेगमेंट का एक अपराइजिंग होने का. सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर पियरर, दिस पैंडेमिक क्राइसिस हैज बिकम सच ए न्यूसेंस जिसके वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक अनसर्टेन किसके अंदर से जा रहा है. तो इस बीच में कोई नहीं चाहेगा एक 1200cc का बाइक खरीदना जो कॉस्ट करेगा उनको 20+ lakhs. सो इस बीच में लाइट एंड मिडिल वेट ऑल टेरेन एडवेंचर बाइक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर. और मिस्टर पीरा ने यह भी बताया जो एक तरफ 390 एडवेंचर KTM 390 जो मिडिल वेट और लाइट वेट सेगमेंट का सेल्स का अपराइजिंग हो रहा था, वही दूसरी तरफ जो KTM का बड़े बाइक आता है जैसे सुपर ड्यूक या सुपर एडवेंचर आर एस, ये सब बाइक का सेल्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है. तो दिस इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द KTM टू फोकस ऑन द मिडिल एंड लाइट वेट सेगमेंट बाइक्स. और इस बीच में KTM और भी एक बात बहुत ही ध्यान में रखा है इस बाइक को लेके आगे बढ़ने के लिए, जो है बाइकर्स के मन की बात. एक जो एडवेंचर टूरर बाइकर है वो हमेशा एक लाइट और नॉन एक्सपेंसिव बाइक की तरफ जाना चाहेगा जिसमें काफ़ी पावर भी है और टॉर्क भी है. सो गाइज, लेट्स सी द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस बाइक. अकॉर्डिंग टू दिस इंटरव्यू, जो इस इंटरव्यू में बताया गया है, This Adventure 500 of KTM will be more oriented towards off-road. Yes, you will get the spoke wheels, the much anticipated spoke wheels which were not given in the 390 Adventure. So, आपको इसमें spoke wheel देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको 21 इंच का 18 टायर सेक्शन देखने को मिलेगा और पीछे मुझे लगता है कि 17 इंच का टायर ही आपको मिलने वाला है. और ये देखने वाला बात होगा कि KTM इस बाइक में स्पोक व्हील के साथ ट्यूब टायर दे या ट्यूबलेस टायर दे, जो एक काफ़ी बड़ा बात होने वाला है आगे आने वाले टाइम में. तो गाइज, अगर हम इस बाइक का प्राइस की तरफ देखें तो पहले ये देखना पड़ेगा इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया. सो गाइज, ऑल द सब 600cc बाइक्स ऑफ KTM आर बींग मैन्युफैक्चर्ड और विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इन पुणे with the alliance of Bajaj Auto. Yes, you heard it right. So, इसके वजह से जो इस बाइक का कॉस्ट होने वाला है वो काफ़ी कम्पिटिटिव होने वाला है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट, बिकॉज बजाज द इंडियन मैन्युफैक्चरर विल ऑलवेज थिंक अबाउट द इंडियन कंज्यूमर एंड द इंडियन कम्पिटिटिव मिड सेगमेंट मार्केट, जहाँ पे इंटरसेप्टर 650 आता है और इसका राइवल होने वाला है रॉयल इनफील्ड का हिमालयन BS6, जो एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है. तो अगर हम देखें तो एडवेंचर्स 500 KTM का ये रॉयल इनफील्ड हिमालयन से प्राइस में तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में वो बाइक नहीं आ सकता, क्योंकि उस बाइक में काफ़ी प्रीमियम कंपोनेंट्स लगा होगा जो कि इस प्राइस रेंज में देना एक काफ़ी इम्पॉसिबल.
अगर हम इस बाइक का कंपटीशन का बात करें तो मुझे इंडियन मार्केट पे अभी एक ही बाइक दिखता है ऐसा, वो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। मैंने पहले ही बोला था कि ये मिडिल सेगमेंट एडवेंचर टूरिंग एक बहुत ही नेग्लेक्टेड कैटेगरी है मेरे हिसाब से, तो इस सेगमेंट में और कोई ज़्यादा अच्छा बाइक आपको देखने को नहीं मिलता है, बस एक ही अच्छा सा बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। पर हम इस दोनों बाइक का कंपटीशन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्राइस रेंज काफ़ी अलग होने वाला है। एडवेंचर 500 का प्राइस एटलीस्ट KTM 390 एडवेंचर से थोड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि ये KTM 390 एडवेंचर भी काफ़ी प्रीमियम बाइक है और इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स इतना प्रीमियम है कि इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए KTM मुझे लगता है इसका प्राइस बहुत ही कंपटीटिव रखेगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट अगेन। सो गाइस, अगर आप ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो और मोटो व्लॉग भी देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।